नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। तो ये नजर डालते अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। 28 सितंबर को पीएम मोदी एमएस स्टेडियम जम्मू में रैली को संबोधित करेंगे। रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर। पीएम रैली के दौरान भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में मांगेंगे वोट। पीएम मोदी की रैली को लेकर एमएस स्टेडियम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। स्टेडियम के अंदर और बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती। इस रैली को लेकर बीजेपी वर्कर्स में भारी उत्साह। रियासी आतंकी हमले को लेकर एनआईए ने जांच शुरू की। राजौरी और रियासी में चलाया जा रहा सर्च। 9 जून को हुए आतंकी हमले में 7 तीर्थयात्रियों की हुई थी मौत। विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही। जहां बीजेपी नेका कांग्रेस पर आतंकवाद बढ़ाने को लेकर घेर रही, वहीं नेका कांग्रेस बीजेपी पर बेरोजगारी और महंगाई को लेकर निशाना साध रही। डीसी जम्मू ने 30 सितंबर को शिक्षा संस्थान बंद रखने के आदेश दिए, ताकि युवा मतदाता अपना वोट डाल सकें। इसके लिए सचिन कुमार वैश्य ने जारी किया संदेश। कठुआ में पिस्तौल और 5 राउंड बरामद। पुलिस की टीम ने खानपुर गांव में पैकेट किया बरामद। इस संबंध में पुलिस ने जांच की शुरू। बड़गाम के काकन मारन इलाके में सीआरपीएफ जवान की गिरने से मौत। 4 मंजिला लिफ्ट के शाफ्ट से गिरने से हुआ हादसा। उसकी पहचान प्रवीण कुमार के तौर पर हुई। जम्मू ईस्ट से भाजपा प्रत्याशी जुगवीर सेठी ने डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। सेठी ने बीजेपी को वोट डालने की अपील की। बोले, 1 अक्टूबर को जनता कमल का बटन दबाकर वोट दें। खराब मौसम के बावजूद जम्मू श्रीनगर हाईवे आज दोनों तरफ से खुला। दोनों तरफ से छोटे और बड़े वाहनों को छोड़ा जा रहा। अधिकारियों ने वाहन चालकों से भूस्खलन वाले क्षेत्रों में न रुकने की अपील की। बसोली से भाजपा उम्मीदवार दर्शन सिंह ने लोगों से की बैठक। दर्शन सिंह ने अपने संबोधन में भाजपा की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखा। बोले, अगर वह जीते हैं तो वह क्षेत्र की तरक्की की दिशा में करेंगे काम। जम्मू में मूसलाधार बारिश होने की वजह से सड़कों पर हुआ जल भराव। लोगों को आने जाने के लिए हुई भारी परेशानियां। कई जगहों पर लोगों के घरों में घुसा गंदा पानी। भाजपा उम्मीदवार चंद्रप्रकाश गंगा ने विभिन्न पंचायतों में जनसभा को किया संबोधित। लोगों के साथ बैठक कर भाजपा द्वारा शुरू की गई योजनाओं पर डाली रोशनी। बोले, लोग फिर भाजपा को वोट देकर विजय बनाए। गुलमर्ग के अफरतवत में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। जहां सुबह से 2 इंच तक बर्फबारी दर्ज की गई, वहीं कश्मीर के कई हिस्सों में बारिश हुई। पहलगाम की बेताब घाटी में तस्वीर लेते समय पश्चिम बंगाल का एक पर्यटक डूब गया। उसकी पहचान देवव्रत घोष के रूप में हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। नेका उम्मीदवार राजेश परगोत्रा ने गांव गगोर में एक बैठक की। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का दिलाया भरोसा। लोगों से नेका के पक्ष में वोट डालने की अपील की। फिलहाल टॉप हेडलाइंस में बस इतना ही। देखते रहिए जेके अपडेट। नमस्कार। जम्मू कश्मीर में अब आ गई है सबसे पावरफुल बुल मशीन, जो दिखाती है किसी भी मशीन से अधिक दम। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, काम बुल लोडर मशीन करती है उसे आसान। बुल लोडर मशीन डीजल भी कम खाती है और 1 घंटे में बचाती है अन्य लोडर के मुकाबले 1 लीटर डीजल। यानी डबल फायदा, काम ज्यादा और खपत कम। जम्मू में बुल लोड मशीनें कई वर्जन में उपलब्ध हैं। बुल स्किड AV450 फ्रंट एंड लोडर, HD100, HD96 और HD76 लोडर, जिनमें है 40 इंटरचेंजेबल अटैचमेंट्स, जिससे ये सभी लोडर पड़े दूसरे लोडरों पर भारी। अगर आप भी लोडर लेने का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है चौधरी मोटर्स, नियर पेट्रोल पंप, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9697652836, 9419199119। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।